आज हम लोग सीखेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में पूरा फाइनल कंप्लीट जानकारी कि वॉशिंग मशीन क्या होती है, कैसे कार्य करती है, इसमें जो स्विचें प्रयोग होती है वो स्विचें कैसी होती है, उसमें से कितने तार निकले होते हैं, उन सभी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो वॉशिंग मशीन ठंडी के मौसम में बहुत अधिक खराब होती है और सबसे ज्यादा प्रयोग भी सर्दी के मौसमों में ही वॉशिंग मशीन का किया जाता है, क्योंकि इसी मौसम में खराबी भी ज्यादा होती है और प्रयोग भी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि जैसे धूप कम होती है तो कपड़े को सूखने में दिक्कत होती है, तो वॉशिंग मशीन का सहारा ही लोग लेते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन हमारी है जो कि कपड़े को धुलने और सुखाने दोनों का कार्य करती है, कपड़े को धुलने और सुखाने का दोनों कार्य करेगी ये वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन में देखिए, ये जो हमारी वॉशिंग मशीन है ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर कार्य करेंगे और काम करके भी देखेंगे। इसके सभी मोटर चलते हैं, सब कुछ सही है, यानी किसी भी प्रकार की कोई कमी इसमें नहीं है। इसके पार्टों के बारे में समझेंगे कि इसमें पानी कैसे भरते हैं, कितना भरते हैं और कहाँ से पानी फिर बाहर निकलता है गंदा पानी, तो इसके सभी एक एक पार्टों के बारे में, और इसको हम पीछे से जो इसका पार्ट है यहाँ पर इसको हम खोल करके भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या लगा है, कितने भी इसमें पट्टा कहाँ है, इसमें मोटर कहाँ है, कौन सा मोटर है जो इसको चला रहा है, कैसे कि कपड़े को धुलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इसके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहला इसका ये जो ड्रम होता है ना, जिस ड्रम में हम कपड़ा धुलने के लिए रखते हैं, जिस ड्रम में कपड़े को धुलने के लिए रखते हैं, उस ड्रम का नाम होता है वाश ड्रम, यानी इस पूरे ड्रम को वाश ड्रम के नाम से जाना जाता है। और वाश ड्रम देखिए क्या होता है, इसमें कपड़ा, पानी और सरफ सब कुछ इसमें इकट्ठा करने के लिए इस ड्रम का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये जो मोटर है, ये जो मोटर के अंदर ये जो घूम रहा है, मोटर तो इसके नीचे है, ये जो घूम रहा है, इस घूमने वाले पार्ट का नाम होता है पल्सटर। इस घूमने वाले पार्ट का नाम होता है पल्सटर। ये बहुत ही ताकत के साथ घूमता है, बहुत तेजी से, मतलब जितनी भी इसकी स्पीड है बहुत मजबूती के साथ घूमता है, यानी इसमें कितना भी कपड़ा रख दिया जाए तो ये कपड़े में कुछ होने नहीं देता। जैसे हम छोटा सा कपड़ा रख करके अगर एक दिखाएं तो जैसे देखिए कपड़े को ये किस प्रकार से घुमाता है, जब इसमें बड़ा कपड़ा होता है ना ये इसके बीच में होता है और ऐसे इस प्रकार से इसको इधर उधर करते रहता है। तो कपड़ा देखिए इसमें क्या होता है कि किनारे किनारे रगड़ते हुए जब घूमता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, कपड़ा साफ हो जाता है। ये देखिए छोटा कपड़ा है तो इसलिए ये ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जब कपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाता है, तो साफ होने के बाद हम इसमें से निकालते हैं। देखिए इसको चलाने के लिए हमें एक स्विच का प्रयोग करते हैं। ये स्विच देखिए इसमें से निकाल लिया गया है। ये जो निकाल लिया गया है, इसको हम चला कैसे रहे हैं, देखिए इसको हम कनेक्शन के द्वारा चला रहे हैं कि इसमें हमारे पास देखिए हमने तीन तार लिया हुआ है, जिसमें एक बार एक तार पर टच करवा रहे हैं तो मोटर किसी दूसरी साइड में चल रहा है, और फिर जब दूसरे पर टच करवा रहे हैं तो ये दूसरी साइड में चल रहा है देखिए। लेकिन ये कार्य इस स्विच के द्वारा किया जाता है, ये स्विच भी सही है और ये कार्य इस स्विच के द्वारा किया जाता है। एक बार उस पर सप्लाई देते हैं, एक बार इस पर देते हैं। देखिए जिस प्रकार से अगर हम दोनों पूरा देखें इसको, तो देखिए कैसे घूमता है ये। एक बार कनेक्शन एक पे देने पे दूसरी दिशा में, और दूसरे पे देने पे दूसरी दिशा में, यानी ये जो मोटर है जो उल्टा और सीधा घूम रहा है, ये क्वालिटी मोटर की नहीं होती, ये वायरिंग की होती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये टाइमर की होती है। जिस टाइमर को इसे उल्टा और सीधा चलाया जाता है उसे वाश टाइमर के नाम से जानते हैं। इस टाइमर को जब हम ऑन कर देते हैं ना, ये उल्टा और सीधा चलता रहता है। देखिए एक बार उल्टा चलता है और एक बार सीधा चलता है, इस टाइमर की वजह से, यानी जिस टाइमर के द्वारा कपड़े के धोने वाले मोटर को चलाया जाता है उसे वाश टाइमर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा ये दूसरा स्विच है, देखिए दो स्विच हमारी यहाँ है। एक स्विच होती है हमारी ड्रेन स्विच। ड्रेन स्विच क्या होती है कि जब इसमें धुल लिया गया, पूरी बढ़िया तरीके से कपड़ा धुल गया, साफ हो गया, इसके अंदर जो गंदा पानी बचा होता है उस पानी को निकालना होता है। तो निकालने के लिए ये हमारी स्विच लगी होती है। एक बार हम इसको घुमा देते हैं ना तो ये पूरा पानी इसमें से बाहर निकलता है। बाहर कहां से निकलता है वो समझिए कि बाहर निकलने के लिए इसके किनारे किनारे देखेंगे या फिर इसमें देखिए, ये छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिसमें से पानी नीचे की तरफ चला जाता है। और जब नीचे चला जाता है तो दिखाएं आपको कि ये पानी निकलता कहाँ से है। इसमें से देखिए एक पाइप लगी होती है, ये पाइप लगी होती है जिसकी सहायता से पानी क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी इसमें से बाहर निकल जाता है। अगर हम इसके अंदर की बात करें तो देखिए, हम इसको खोल करके भी दिखा देते हैं कि इसके अंदर कहाँ से लगता है ये, और ये मतलब कि स्विच को घुमाने से क्यों पानी बाहर निकलता है। उस स्विच का नाम होता है ड्रेन स्विच, यानी जिस स्विच के द्वारा, यानी जिस स्विच के द्वारा पानी को बाहर निकाला जाता है उसे ड्रेन स्विच के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसके हम पीछे के भाग को खोल करके दिखा दें। इसमें देखिए कनेक्शन भी है, अभी सप्लाई भी आ रही है। तो अगर हम खोल के दिखा दें इसके अंदर के पार्टों को, ये देखिए वॉशिंग मशीन का पीछे का भाग है, सबसे पिछला भाग है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब हम ड्रेन स्विच को, ये वाली स्विच को, ड्रेन स्विच को हम घुमाते हैं ना, इसके अंदर देखेंगे एक धागा लगा होता है, एक धागा। ये जो धागा है देखिए, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये धागा क्या होता है कि इसको ऊपर ऐसे खींच लेता है, और जब ये ऊपर खींचता है ना, ये जैसे देखिए ऊपर खींचता है तो इसमें देखिए क्या होता है, जो इसमें पानी होता है वो पानी इसी पाइप की सहायता से बाहर निकल जाता है। और जब तक ये नीचे रहता है, ये पाइप जो है देखिए अंदर से आ रही है, ये पाइप को यहाँ में रोके रहता है। इसके अंदर के अगर हम दिखा दें तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है,
देखिए इसके अंदर अगर हम खोल के दिखाएं, कभी कभी ये खराब हो जाता है, इसमें पैसे का सिक्का वगैरह भी अटक जाता है, तो इसी को खोल करके निकाल देना चाहिए, आप अपने घर पे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये होता है। और अगर इसको पूरा निकालने की बात करें तो देखिए ऐसे लट्टू के आकार का होता है, इसमें देखिए ऐसे कचड़ा भी फंसा होता है, जो कुछ कचड़ा होता है वो सब यहीं पर होता है, इसी में रुका होता है। तो इसमें क्या होता है कि धागा जब खिंचाता है तो पानी इसमें से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सही कर सकते हैं, ये बड़ी चीज़ नहीं होती है। अगर आपके वॉशिंग मशीन में कोई पानी वगैरह कुछ फंस जाए तो आप आसानी से उसको सही कर सकते हैं। तो इसको हम लगा करके इसमें अब टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद अगर बात करें कि जब ये घूमता है, जब ये कपड़े को देखिए सुखाने वाले कपड़े को धुलने वाला मोटर जो चलता है वो देखिए ऐसे चलता है, उसको रोकिए, रुकने दीजिए। देखिए इस प्रकार से ये जो मोटर है वो पट्टे की सहायता से चलता है। यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि देखिए जैसे कि ये मोटर जब चलेगा, चलाइए इसको, तो देखिए किसी दिशा में चलता है और ये पट्टे की सहायता से चलता है, एक बार एक दिशा में और दूसरी बार फिर दूसरी दिशा में, इस प्रकार से ये बारी बारी से घूमता है। तो एक बार एक दिशा में और दूसरी बार दूसरी दिशा में, लेकिन ये दूसरी दिशा में घूमने का मतलब है कि ये कनेक्शन की ही सिर्फ बात होती है और स्विच का कार्य होता है। इसमें वायर वगैरह देखेंगे तो आपको बहुत सारे वायर देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा वायर कुछ मतलब नहीं है इसका। इसके अंदर और एक पार्ट वहाँ पर देखेंगे आप, ब्लैक कलर का देख पाएंगे, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम होता है बर्जर। बर्जर का मतलब जब कपड़ा हमारा धुल जाता है ना तो इस स्पीकर से आवाज़ आती है, इसका भी एक कनेक्शन होता है, वहाँ दूसरे वाले तार में टच करवाइए, अभी देखिए इस स्पीकर से बजता है ये, तो इसका नाम है बर्जर। और जब हमारा कपड़ा वॉशिंग मशीन में धुल जाता है तो ये स्पीकर कुछ इस प्रकार से बजता है, टी 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 की आवाज़ आती है और ये स्पीकर हमारा बजता है। तो इससे हमारा पता चलता है कि हाँ कपड़ा धुल चुका है। अब हम बात करें कि ये कपड़े को देखिए धुल गया, इसमें से पानी कैसे निकलता है हमने आपको ये भी बताया। अब उसके बाद अगर बात करें कि कपड़े को सुखाता कैसे, सुखाने के लिए कोई हीटर वगैरह तो इसमें लगा नहीं होता है, तो चलिए इसको हम आगे से अब देखते हैं कि कपड़े को सुखाता कैसे। तो देखिए इसका जो सुखाने वाला पार्ट होता है ये देखिए ये वाला होता है, यानी कपड़ा धुला तो यहाँ जाता है और सुखाने का कार्य यहाँ किया जाता है। तो सुखाने के लिए एक ड्रम लगा होता है, जिस ड्रम का नाम होता है स्पिन ड्रम। सुखाने के लिए ये ड्रम है जिस ड्रम का नाम होता है स्पिन ड्रम। जब ये ड्रम चलता है, जब ये ड्रम घूमता है ना, तो बड़ी तेजी के साथ घूमता है और तेजी से घूमने के कारण देखिए इसमें किनारे किनारे ऐसे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिसमें से पानी क्या होता है कि पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, छिटक जाता है। और पानी जो बाहर जाता है ना, तो देखिए बिल्कुल बाहर नहीं जाता, इसके किनारे अगर अंदर देखेंगे तो एक और ड्रम, एक और प्लास्टिक का लगा होता है जो इसकी पूरे पानी को रोकता है और नीचे लेके जाता है। और नीचे जाने के बाद नीचे से ही पानी वो उसी पाइप के द्वारा दिखाया आपको, उसी पाइप के द्वारा ये पानी बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये जो सुखाने वाला ड्रम है हमारा, और सुखाने वाले ड्रम में से अंदर से देखेंगे तो एक पाइप आई हुई है, इधर से देखेंगे एक पाइप आई हुई है जो कि इसी में नीचे के साइड में टच है, नीचे के साइड में। नीचे के साइड में होने से क्या फर्क है कि ये धागा चाहे ऊपर रहे या ना रहे, वो पानी यहाँ से सीधा सीधा बाहर निकल जाता है। यानी अगर स्पिन ड्रम में आप डायरेक्ट पानी भरते हैं तो स्विच को ऑन करें या ना करें, फिर भी ये डायरेक्ट लेकर के बाहर चल जाएगा। और अगर हम इसको मोटर को चला के दिखाएं, जो हमारा स्पिन मोटर है जो चलता है, देखिए उसमें चलने वाला ये मोटर हमारा देखिए बड़ी तेजी से घूमता है। ये जो हमारा मोटर है ये डायरेक्ट शाफ्ट की सहायता से चलता है और डायरेक्ट ड्रम को घुमाता है। या जितना चक्कर मोटर घूमता है उतना चक्कर सीधा सीधा उसका ड्रम घूमता है, जितना चक्कर मोटर घूमता है उतना टर्न इसका ड्रम भी घूमता है। तो देखिए बहुत ही तेजी से ये डायरेक्ट मोटर पे लगता है। और इसका देखिए इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए इसका जो कैपेसिटर होता है, इसके एक ही कैपेसिटर से चार तार निकले होते हैं, टोटल चार वायर एक ही कैपेसिटर से इसमें निकले होते हैं, और दो तार एक मोटर को चलाने के लिए कार्य करते हैं और दो तार दूसरे वाले मोटर को चलाने के लिए कार्य करते हैं। तो इसके बारे में बात करें हम, देखिए जब कपड़ा हमारा धुलता है ना, ये जो हमारा ड्रम है घूम तो रहा है, देखिए यहाँ से अगर आप अंदर से हल्का सा देखेंगे तो घूमता हुआ दिख तो रहा है कि घूम रहा है, लेकिन अगर किसी कारण से वॉशिंग मशीन को, ये देखिए ड्रम घूम रहा है, अगर हम इस ड्रम को जब चलाते हैं और झटके से अगर इसको हम खोल देते हैं, ये हमें कभी घूमते हुए नहीं दिखता, ये ऑफ हो जाता है। तो इसका जो कनेक्शन होता है यहाँ पर ऐसे किया जाता है, देखिए यहाँ पर हमारा ड्रम घूम रहा है, लेकिन जैसे ही अगर हम खोल करके देखेंगे तुरंत ये ऑफ हो जाता है। तुरंत ऑफ होने के लिए देखिए इसमें ब्रेक भी लगा होता है, जैसे देखिए इतना पे देखिए करने के बाद घूम रहा है, देखिए इतना पे नहीं, थोड़ा सा और हम ढक्कन को नीचे कर रहे हैं तो घूम रहा है और उठाने पर नहीं। तो कनेक्शन के छोड़ने के साथ साथ इसमें ब्रेक भी लगा होता है, ब्रेक कहाँ होता है वो दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए ब्रेक क्या होता है, ये एक रस्सी लगी होती है, ये वाली जो अंदर से ब्लैक कलर की है, और जब ये रस्सी खींचता है तो ये मोटर देखिए पूरी तरह से जाम हो जाता है, ये ब्रेक का काम करती है। यानी कि ढक्कन उठाने के बाद ये मोटर तुरंत रोक देता है, तुरंत रोकता है का मतलब
तुरंत क्यों रुक जाता है? क्योंकि अगर मान लीजिए गलती से आपने मोटर को खोला और कपड़ा इसमें घूम रहा है बड़ी तेजी से, और उसके बाद जैसे ही आपने खोला कपड़ा वपड़ा निकाल के आपके मुंह पे भी फेंक सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि तुरंत रुक जाता है, एकदम तुरंत, जैसे ही आपने ढक्कन को खोला तुरंत रुक जाएगा और बंद किया तुरंत चालू भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कपड़ा धुलने का कार्य करता है, और कपड़ा धुलने के बाद इसका जो पानी है उसी पाइप की सहायता से बाहर निकल जाता है और बढ़िया तरीके से वहाँ से बाहर निकलता है। इसके पार्ट तो हमारे यही है लगभग, और इसके बारे में अगर और कुछ बचा है तो बताइएगा, उसके बारे में वीडियो बना करके अलग से समझाएंगे। अगर वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।